सागर धनखड़ हत्याकांड में पहले से ही कई सारे चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। पुलिस के पास वो वीडियो भी मौजूद है जो उस रात को बनाया गया था, लेकिन ऐसे में कई सारे और सबूतों की तलाश कर रही है पुलिस। आप सभी को बता दें दोस्तों, कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुशील कुमार के करीबी अनिरित को दिल्ली पुलिस जम्मू ले जाने की तैयारी कर रही है। सूत्र के अनुसार बताया जा रहा है कि सागर हत्याकांड में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और उसकी पुष्टि के लिए दिल्ली पुलिस अनिरुद्ध को जम्मू लेकर जाएगी। वहीं इससे लेकर पहले छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने बृहस्पतिवार को पहलवान सुशील कुमार के करीबी अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया था। यह इस केस की 10वीं गिरफ्तारी थी। अब शुक्रवार को उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष पेश किया और 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, ताकि उसे पूछताछ और उसे सबूत इकट्ठा करवा के सुशील कुमार खिलाफ केस और मजबूत किया जा सके। लेकिन ऐसे में पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत में बताया कि इस मामले में सबूत जुटाने के लिए आरोपित अनिरुद्ध की रिमांड के लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि उसे जम्मू ले जाना है और अदालत ने केवल 4 दिन की रिमांड की मंजूरी दी है, ताकि 4 दिन में जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अनिरुद्ध को लेकर अब जम्मू क्यों जाएगी, क्या ऐसा सबूत है? क्योंकि देखा जाए तो सुशील कुमार अगर फरार हुआ था 18-19 दिनों के लिए, तो वो भटिंडा गया था, हरिद्वार गया था, ऋषिकेश गया था। अब जम्मू में ऐसा क्या छोड़ आया जिसकी वजह से वहाँ पर जाएगी अनिरुद्ध को लेकर पुलिस? कुछ ना कुछ ऐसा सबूत होगा जो अनिरुद्ध जानता होगा और वो पूरी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए सुशील को पूरी तरीके से फंसा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या होता है सुशील कुमार और सागर धनखड़ हत्याकांड के इस केस में। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।